एम कलीम एंड वेलकम टू दी क्या ड्रामा है। जी हाँ, कल पहली एपिसोड एयर हुई और ड्रामा इस वक्त सोशल मीडिया पे हमें बेपनाह नजर आ रहा है। हमारे सेलिब्रिटी जजेस से उन्होंने खुल के बात की और बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो तारीफ़ के काबिल थे उनकी तारीफ़ की और जहाँ पे कुछ खामियाँ नज़र आई वहाँ पे तनकीद भी की, लेकिन तारीफ़ बहरहाल ज़्यादा की। मैं अपने सेलिब्रिटी जजेस का तारुफ करवाता चलूँ, कल के एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा। हमारे साथ हैं वन एंड रुबीना अशरफ, कमाल के फैसल कुरैशी और क्या कहने अतीका ओडो साहिबा के। ब्रिलियंट एक्टर्स तो हैं ही ये, लेकिन जजेस भी कमाल के साबित हुए कल की पहली एपिसोड। आप भी विटनेस होंगे, आप सब बार बार कमाल कर रहा है, फर्क नहीं डाला है। ये जो फर्क ड्रामा है ना, ये मेरा नाम ही कमाल है। ये फर्क ड्रामा आके रहेगा। देखिए, हमने एक चीज डिसाइड की थी, क्योंकि ये जो सारे सीजन एक्टर्स हैं ये सब बहुत बिजी हैं, बहुत सारे ड्रामे जिस पर कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये थी कि अगर इनका ड्रामा हम शामिल करते हैं टॉप फाइव में, जबकि फर्क की जो बात कर रहे हैं वो रेटिंग में ऊपर है, उसको होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन हमने कहा फिर तो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात हो जाएगी। नहीं तो हम नहीं करेंगे ना। चले, हम कुछ स्ट्रेटेजी। आपको क्या लगता है, ये जो रुबीना जी और अतीका जी यहाँ बैठी हुई हैं, ये कोई मतलब मेरे यहाँ बैठने से मुझे कोई नंबर ज्यादा दे देंगी? मैं तो दे दूं। नहीं नहीं, मैं बैठने से नहीं दूंगी, because I love Faisal, so I can't be unbiased. ये देखो, मेरी हीरोइन रह चुकी है ना, तो इसलिए बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि हमारा, हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे, ये हमारा एक मोटो है। हम डायरेक्ट लेट जाएंगे। लेकिन जहाँ फेवरेटिज्म होगा, I'll be honest, मैं तो बोलूंगी। देखिए, मैं इसीलिए बैठा हूँ, मैं तो ईमानदारी से बोल दूंगी। इसीलिए क्राइम शो के एंकर यहाँ बैठा है, जो देख रहे हैं कहाँ पे कोई बात, बेशक पकड़े मुझे, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि क्या पीछे चल रहा है। हाँ, साकी मुझे नए प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ, मैं तारी 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 कर दी है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है, मेरी आदत है, मैं मुंह पे भी बोल देता हूँ। तेल देखते हैं, तेल की धार भी देखते हैं, कहाँ क्या होता है आगे। तो जी, हम टाइम बिल्कुल भी अपना जाया नहीं करेंगे, बातें तो हमारी बड़ी मजेदार चलती रहेंगी। अब जो ड्रामा आ रहा है आपके ख्याल में कौन सा है, जो हम चौथे ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं इस वीक? दरार ड्रामा है जी, और चैनल है जियो इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट पे आता है, प्रोडक्शन है सेवंस का इंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं शहरजाद शेख, और आगे खातून भी लिखा है, और राइटर है मिसबा नौशीन। ये एक और हमें एक कॉम्बो मिलता है जिसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों फीमेल हैं, विच इज वेरी अमेजिंग थिंग। और औकात हैं जी, बुध और जुमेरात को रात 8 बजे आता है, और हफ्ते में 2 एक साथ इसकी नशर होती हैं। तो दराड़ के बारे में बात कर रहे हैं, अब सोच रहा हूँ मैं किससे शुरू करूँ। मुझसे इनसे भी कर लिया, आपसे भी कर लिया, आपसे दरार, क्योंकि मुझे लगता है आप कॉपी करते हैं। देखिए, अगले वाला जो आ रहा है ना, उस वो आप मुझसे नहीं शुरू कर सकते, ये इधर से शुरू, वो वाला उधर से शुरू करना पड़ेगा ना। आप समझ गए कौन सा ड्रामा आने वाला है, जिसका आप सबको इंतजार है कि किसका रिव्यू रह गया था। जी, सो मैं आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। द डायरेक्टर, आई हैव नोन हर बिकॉज ये मेरीन जबार के साथ इन्होंने बहुत काम किया, उनको असिस्ट बहुत किया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो शहरजाद ने बहुत मेहनत की हुई है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, तो उसका वो नज़र आ रहा है काम। एंड आई थिंक ओवरऑल कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिब्रान इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर। शेरेज़ाद ने या जो राइटर हैं उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया स्क्रिप्ट को, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बीच में मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों ने तारा को बड़ा टारगेट किया हुआ था कि वो उसकी माँ की उम्र की है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक उबाश नौजवान का अफेयर किसी नहीं चल मतलब सकता है। नहीं यार, ये एज के ऊपर आप लोग डायरेक्ट क्यों कोई भी, वैसे ये मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तारा महमूद की बात नहीं, कर रहा हूं। मैं जिन्होंने रिव्यू दिया था मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, आप एज के ऊपर आप बात कर देते हैं किसी के ऊपर भी, आप किसी को भी आप पर्सनल अटैक शुरू करते हैं। आप ये देखें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। तारा हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है, जिब्रान के साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी आ रही है, जिब्रान की मोमल और अपना क्या कहते हैं जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आ रही है। आगे क्या टर्न जाता है मुझे नहीं पता। शेरेज़ाद की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्ले है जिसका नाम मुकद्दर है, शी हैव डन दैट सीरियल विद मी, फिर उसके बाद दिले मोमिन है, दोनों उसने मेरे साथ किए, सो आई नो हर पर्सनली। जो उसको एग्जैक्टली चाहिए वो एग्जैक्टली वो कराती है, वो नहीं करने देगी आपको कुछ और, एक जुमला एक्स्ट्रा नहीं बोलने देगी। इसी वजह से आप देखें कि आपको स्क्रीन अच्छा लग रहा है। मुश्किल स्टोरी थी, अच्छा हैंडल किया है, बहुत सटल वे में हैंडल किया। जी रुबीना, ये जो कहानी है
ये मैंने देखी थी इन जलन. जलन, ठीक है. अब जलन वॉज अ फैंटास्टिक प्ले एंड द बिगिनिंग ऑफ समथिंग लाइक दिस. दो बहनें जो कि यू नो एक ही दूसरी बहन जो है उसको वो मारा था वो सब. सो अब जो बार सेट हुई है ना वो जलन है और जो अभी हम देख रहे हैं वो है दड़ाड़. विजुअल बहुत अच्छा है लेकिन डायरेक्टर जो था उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है आबिस रज़ा. वॉट इज कंपेलिंग इन दिस प्ले इज जिब्रान. द ओनली थिंग दैट making taking this slightly to a greater level is drama ko behtareen ke paas leke jaane ka kaam jo hai wo jibran jo momal aur jo jibran ke aapas mein shuru mein jo bitch bhi ho raha tha na bada gradually bahut subtle way mein ho raha tha force nahi lag raha tha wo. ha aur cast sari achhi hai. they all doing a swell job. sirf abhi hum kyunki ek ek episode review kar rahe hain na jaise ki pichle episode mein mujhe laga jaise dining table set karte hue momal तो एक एक्टर है उसको जो डायरेक्टर कह रहा है वो कर रही है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक सेट होती रही. और वो जो एक बात मैंने साइमा की खूबी बताई थी कि उसने कटिंग एडिट पे करवाई है या हो गई है क्योंकि जियो हैज़ दिस टेंडेंसी के ज़रा सा ड्रैग कर देते हैं. वो एंड का एक नॉर्मल मॉन्टाज जो है वो चलता ही चला जाता है एंड जो काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड इस ड्रामे में वो 15 सेकेंड है. मतलब एंड का मॉन्टाज चलता चला जाता है. एक लड़की बेड पे है एक अम्मी साथ में बैठी है और वो लड़की भी सोच रही है अम्मी भी सोच रही है एंड मॉन्टाज. इस ड्रामे में जो फ्लैशबैक्स हैं जो मुझे एक चीज नजर आई थी इतने फ्लैशबैक्स थी. आप अग्री करेंगी कि वो जहाँ बैठती है उसको और वो भी पिछले एपिसोड का या तो उनकी जिंदगी किसी और मौके की कोई चीज याद आ गई जो आपने स्क्रीन पर ना दिखाई भी हो. एक बात मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज 5 मिनट का ड्रामा कहीं और से उठा के इधर ज्यादा कर दो बट इतने फ्लैशबैक्स ना दिखाओ और एंड जो है ना उसको इतना ड्रैग ना करो. किसी भी सीन का एंड इतना ड्रैग ना करो कि तकलीफ दे हो जाए और आप सोचें कि अच्छा अब मैं यही देखती रहूं इस लड़की को बस यूं यूं करते तो मैं उठ के कुछ और कर लेती हूं. देन आई लूज. बंदा प्लेट ही तोड़ देता है इतनी देर में. फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपका ध्यान हट जाता है उस चीज से. बट ऑन द होल आई थिंक दड़ाड़ ने मुझे ग्रिप किया है. इस वाले एपिसोड में स्पेशली मुझे जो लड़की है अमर खान मेरे ख्याल बहुत अच्छी उनकी बहुत नेचुरल एक्टिंग थी. मुझे उस सीन में जिसमें वो घर से निकाल छोड़ के जाती है अमल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. अमल की पॉइंट्स पे आते हैं अगले में तो आपको हम पहले नहीं आएंगे ना इसलिए पहले आते हैं. सो किसका पहले पूछ रहे हैं? राइटर नौशीन मिसबा नौशीन मिसबा नौशीन 6 इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी बट इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. गुड लाइक 6 मीन गुड. वो हमें 4 कहानियां ही क्यों दिखाई जा रही है? अरे भाई आप समझे ना कंटेंट वाले लिखवाते हैं जो अब वो क्या करें बेचारे. हाँ. तो फिर 5 क्या करें? मतलब मैं जलन देख चुकी हूँ. मैं सबा कमर वाला ड्रामा देख शहजाद शेख शेरेजाद शेरेजाद डायरेक्शन शहजाद शेख तो एक्टर हैं. सॉरी आई वुड से 5 कैन डू बेटर. ओके था शहजाद शेख का ओके परफॉर्मेंस थी. आप 10 में से कितने देंगे? नहीं मैं दोस्ती एक तरफ करूंगा. मेरी बिल्कुल बहुत प्यारी दोस्ती नहीं. अब आप दुश्मन बनाने के लिए बैठे हैं. मैं दुश्मन नहीं बनाऊंगा. लेकिन जो सच्ची बात है वो खुद भी जब वो देख रही होगी उसने खुद भी रियलाइज किया होगा क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं कहीं मेरे ख्याल से बेचारी तंग हुई है जो कि नजर आया कुछ सीन्स में थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट हुआ. तो 6 मेरी तरफ से लाइक गुड है. हां गुड गुड डायरेक्शन गुड एफर्ट. आई वुड गिव अ 5. आई थिंक देयर इज अ ट्रेमेंडस रूम फॉर इंप्रूवमेंट बट बहुत अच्छा एडिशन है इन द डायरेक्शन फील्ड. शहजाद शेख को 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 16 मार्क्स लिए उन्होंने. मोर देन अमर खान 5 बिकॉज़ आई फेल्ट अ लिटिल टू एग्जैजरेटेड. तो आप कितने दे रही हैं? 5 अमर खान. अमर मुझे लगता है ना अभी सॉरी लेकिन अमर ना कुछ ज़्यादा फोर्स लगाती है थोड़ी. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जो उसका मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम इधर उधर देखा है.
इसमें एपिसोड में अगर हम जाते हैं तो शायद मैं भी 5 से ऊपर नहीं जा पाऊँ. 5 से? हाँ ठीक है. मुझे मुझे सॉरी मुझे नहीं पता. सॉरी क्यों कर रहे हैं? नहीं, आई डिसएग्री विद द टू ऑफ देम क्योंकि मुझे इस एपिसोड में अमर ने स्टंट किया. लिपस्टिक नहीं लगाई. लिपस्टिक नहीं लगाई किसी ने तो मेरा तो दिल ही जीत लिया समझे. बिकॉज एक औरत है जिसको घर से निकाल रहे हैं. मुझे बता दे कौन सी औरत वहाँ और खड़ी होती जिसने लाल लिपस्टिक ना लगाई होती. इसमें दो अच्छे काम इसने किए हैं इस एपिसोड में कि इसने एक तो ये वाला सीन बहुत अच्छा किया जिसमें वो घर से जा रही थी थप्पड़ पप्पड़ एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन. और एक वो जगह जहाँ उसको पता है कि ये जिस औरत को गालियाँ निकाल रहे हैं वो इनकी बेटी है. वो इनकी बेटी और है. वो नाम नहीं ले रही है. वो बेबसी जो थी. आई कुड कनेक्ट विद हर. तो कितने देंगी? आई सिक्स. ओके गुड. या इसके बाद तो मैं ए सेवन मैं तो ये समझता 8 पे जाने वाली है. नहीं नहीं 8 तो मैंने सबा को ना दिया. और पगली रुलाएगी वाला पगली रुलाएगी वाला तो नहीं था. 8 के लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ चाहिए. ठीक है अब हमारे पास टाइम कम है और जिब्रान की बात हो रही है. 7 लाइक वेरी गुड. हां आल्सो व्हाई बिकॉज़ वी हैव सीन हिम इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स तो ही इज वर्सेटाइल. वो बड़ा अच्छा किया उसने जो हल्का सा रखा है ना आंखों में और वो जब हालांकि सामने जब लड़कियां चेंज होती हैं और जो हल्की हल्की चेंजेस हैं वो इतना अच्छा कर रहा है यार कि मतलब अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं 8 पे जाऊं या 7 पे आऊं. ओए होए 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 ये तो जिब्रान आपके लिए व्हाट से कम बात नहीं है कि फैसल कुरैशी आपको ये वाले नंबर दे रहे हैं. मतलब 7 और 8 ये तो भाई नंबर हम तो वोट दे देते हैं. हमने अहमद अली अकबर को वोट दिया है भाई. अभी परिजात के लिए तो उसको मिलना चाहिए कैसे था. नहीं मिलना कैसे था? नहीं मिलना चाहिए कैसे था? नहीं मिलना था. तो फिर आप कितने दे रहे हैं जिप्पी के लिए? 8. 8 एक्सीलेंट. पहला एक्सीलेंट आज का. आप ही इज एब्सोल्युटली फाइन. आई वाज थिंकिंग 7 बट आई विल गिव 8. यस क्योंकि इस लड़के में बहुत दम है. And I think he was one of the people I went up to and said I am your fan. So, लेकिन जिब्रान एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा जिब्रान थोड़ा सा नीचे गया अपने potential से because he has a lot of potential. नाश्ते का scene है पिछली episode में और वो अंडा खा रहा है कांटे और चम्मच से और ऊपर बच्चा रो रहा है और वो he is agitated. Yes. बीच में हल्की सी आँख देनी थी. आँख देना बहुत ज़्यादा था और अंडा खाना भूल गया था. मगर भूला भी नहीं था. लेकिन वो हर एक्टर ये गलती करता है कि खाने के सीन में खाना नहीं खाता ठीक से. अंडा नहीं अच्छा बना. नहीं खाना तो बुरा होता है. खाना बहुत बुरा होता है. अरे बहुत बुरा अंडा होते हैं. पूरा तो उस सेट में टेबल पे उस सेट में अंडे को 10 नंबर दे दूंगी. हां हां उसके ऊपर सॉसेजेस लगी. टाइम टू लीव अर्थ. टाइम टू लीव अर्थ. इतने अच्छे अंडे किसी सेट पे नहीं बने जो इस टेबल पे थे खाने की मेज पे. हाँ, क्योंकि अंडे के ऊपर सॉसेजेस लगी थी. अंडा प्रॉपर ऐसे था जैसे अच्छा। एक औरत ने बहुत मेहनत की. एक ही और रीटेक की वजह से ना खा रहा दूसरा इधर स्प्रे किया क्लोज में. वो इस्तेमाल हो सकता था उधर जाके. भाई देखे हम अंडे तक हम गौर करते हैं. नहीं नहीं पता है सेट का जो खाना होता है इट्स वेरी डेंजरस. कितने हाथ लगे. नहीं बहुत अच्छा था सब. अच्छा अभी डिस्कशन हमारा चल रहा है दराड़ के ऊपर बात हो रही है. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं दराड़ को. मैं जब शो स्टार्ट हो रहा था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाली नंबरिंग होगी लेकिन कुछ भी हो सकता है. लेकिन अभी हतमी नतीज हमारे नहीं आए. इलेक्शन का नतीजा आना बाकी है क्योंकि अभी एक ऐसा ड्रामा है जो आप सबका फेवरेट चल रहा है वो आएगा लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है और सोशल मीडिया पर जो ड्रामा और लड़ाइयाँ चल रही थी वो यहाँ पर भी सेट पे हो गई क्योंकि जिस ड्रामे को हमने अब अपनी लिस्ट में लेके आए हैं उस पर एक दफ़ा फिर एहतजाज शुरू हो चुका है हमारे सेट पे क्योंकि हमने शामिल किया है ड्रामा जो पाँचवा ड्रामा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसी तेरी खुदगर्ज़ी. चैनल है AY डिजिटल. प्रोडक्शन है आई ड्रीम इंटरटेनमेंट. प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा. डायरेक्टर है अहमद भट्टी. राइटर है रदीन शाह. और हफ्ते में सिर्फ एक किस्सा आती है और फैसल की आंखों में शिकवा जो नज़र आ रहा है कि चश्मा उतारे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ सकता है आपको कि वो क्या है कि फ़र्क ड्रामा क्यों नहीं शामिल जब वो रेटिंग में था और कैसी तेरी खुद गर्जी क्यों शामिल है. नहीं इस तरह तो हब्स भी नहीं है वो भी रेटिंग में इस तरह. फिर हम फैसल के टॉप 5 ड्रामे कर लेते हैं बाकी जोड़ देते हैं. नहीं हब्स में मैं नहीं हूँ जितने आपके मेरे ड्रामे आने वाले. हाँ फ़र्क
इस वक्त अच्छा जा रहा है, पर खैर है, इट्स ओके. अगले हफ्ते जरूर. अगले हफ्ते हाँ, वी हैव टू लताड़ो उसको भी, लताड़ो ना जरा, फिर देखने में रेडी हो के आइएगा. तो बैठ के लताड़े मैंने बस निकाले, मैं आपकी आपकी मैंने मिस्टेक्स निकाली उस ड्रामे. देखो ये पता है, ये रुमाल, ये मोजे, ये फलाना, ये बात देखो व्यूअर की बात करेंगे ना, बड़े बड़े छोटे लेवल की बातें हैं ये, जो नए बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है प्रोडक्शन वैल्यू. अगर मैं उनसे पूछूं, लोग कहते हैं ना यार ये इतना ओवरबोर्ड क्यों है, अबे तो ड्रामे में ड्रामा नहीं होगा तो वो ड्रामा कैसे होगा. ये अभी से डिफेंसिव हो गए, डिफेंसिव में सबके लोग स्टार. देखो मैं कैसी तेरी खुद, मैं कैसी तेरी खुदगर्जी पे जा रहा हूं. दानिश का शुरू में जब वो दुर्रफिशा को उसके कैरेक्टर का नाम जो है वो उसको जब पसंद करने लगता है, उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस है वहां पे. आई लिटरली कॉल्ड अहमद भट्टी, मैंने कहा यार नो बट, मतलब किसी ने सोचा नहीं था इससे पहले के ड्रामे में इस तरह का एक्शन सीक्वेंस हो सकता है. और मैंने कहा तुम कर गए. और दानिश ने कितना अच्छा किया अपना, क्या कहते हैं वो शूट कितना अच्छा हुआ एक्शन सीक्वेंस, दैट मीन हम कर सकते हैं. सो मुझसे जब भी किसी ने कैसी तेरी खुदगर्जी की पहले बात की थी तो मैं कहता था उस सीरियल का स्टार जो है ना वो अहमद भट्टी है. उसमें जितने भी लोग हैं, दुर्रे फिशा एक्चुअली उसने सरप्राइज किया हम सबको, उसने इतना अच्छा काम किया है. मज़े की कहानी है, लोगों ने कहा दानिश से फिर वही करवा रहे हैं आप, लेकिन अब कहानी ने आके जो एक रुख चेंज किया वो कहानी बिल्कुल कुछ और हो गई. वही एक अक्खड़ बदमाश आदमी रोमांस में क्या कुछ कर रहा. सो मज़ा आ रहा है, मतलब एक एक जो फैंटेसी है उसको इंजॉय करने का मज़ा आ रहा है. Rubina, what worked for me basically when I started and I started watching this play from the beginning was same this, this one scene जिसमें के वो एक सड़क पे मॉब के साथ सीन हो रहा है. And I called Abdullah and I said क्या सीन बनाया है ना. हाँ. And the second thing that worked for me in this play was the story. फर्क होना slightly from the normal सास बहू. And the third thing that worked for me in this play was Danish. Right from the word go till his last, जो भी पिछले एपिसोड में हुआ था. आपने दानिश के पहले प्ले नहीं देखे? मैंने सब देखे हैं, मगर इसमें जैसे दानिश ने मुझे आके हिट किया ना, पहले कभी नहीं किया. हमेशा वो एक जबरदस्त काम करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो. मुझे लगा इसमें उसने somehow कैरेक्टर को अंदर ले जा के और फिर अंदर से किया है. और वो लड़का है जो स्पेशली एक सीन जब वो उसको बताती हैं डॉक्टर साहिबा के तुम बाप बनने वाले हो, तो उसके चेहरे पे जो एक हैरत और खुशी के जो मिक्स जेस्चर आता है, फिर वो यूं करके देखते हैं, जो एक हल्की सी आंख उठाता है, जो ग्लेयर होती है. Danish was another level. Very very sensitive. In this play, he changed his level from wherever he was, maybe बहुत अच्छा, but he changed it to another level. आपकी वफात हो चुकी है उसमें. कैरेक्टर की वफात हो चुकी है. आपकी आपका अपना काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलो ये पूछ लेते हैं आपसे. जब ये चला, इसके जब पहले दो तीन किस्तें चली, हमने काम तो किया था, लेकिन देखिए एडिट भी सब बनता है. मैंने अहमद को फोन किया और अब्दुल्ला को भी, मैंने कहा यार इट हैज वेरी फिल्मी फील. वो होता है ना ड्रामा, इट लुक्स लाइक ड्रामा, इसमें थोड़ा एक फिल्म, बिकॉज लार्जर देन लाइफ सॉर्ट ऑफ इशूज आ रहे थे एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज. इनफैक्ट बहुत से लोगों ने कहा शुरू के एपिसोड्स में दानिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इट्स सो ओवर ड्रामेटाइज है. मैं कहा इट्स अ ड्रामा, ऑफ कोर्स, आई मीन यू हैव टू बिल्ड इट, कहीं कहीं से शुरू होकर कहीं जाएगा ना. एंड आई कंप्लीटली अग्री दैट मनी हाइस्ट में तो उन्होंने कमरे में सारा कुछ कर लिया. मैंने यही कहा, मैं कहा दानिश ने शुरू से लेके जितनी गालियाँ खाई उसने, उसके कैरेक्टर ने शुरू में, ओ ये ऐसा है, स्टॉकर है, हरासर है, ये obviously उसको अपना रोल पता था कि आगे जाके वो कहाँ लेके जाएगा. द प्रॉब्लम आई हैव दानिश, इफ यू आर लिसनिंग, कि मरते वाले सीन में भी उसके बाल के जो जेल है ना, वो जेल नहीं उतरा. आई बी वेरी फ्रैंक, आई लव हिम, ही इज प्लेड माई सन, ही इज अ फैंटेस्टिक आर्टिस्ट, बट वेन वी टॉक अबाउट मेकअप वी मस्ट बी ऑनेस्ट ऑल्सो. यू हाउ कैन यू हैव परफेक्ट हेयर इन अ फाइट सीक्वेंस, इन अ लव सीक्वेंस, इन अ डेथ सीक्वेंस? मैंने हाथ फेरना है, कहते नहीं प्लीज डोंट फेरो द हाथ. सो
I love him. He's very hardworking and he's done a tremendous job. मैंने दुर्गे फिशा की फर्स्ट टाइम मैंने इस ड्रामे में एक्टिंग देखी, आपने उसका सेकंड ड्रामा बट शी वाज ब्रिलियंट. उसने बहुत अच्छा कैरी किया. नुमान इजाज को फेस करती है हॉस्पिटल में, अमेजिंगली करती है. और जब उसकी डेथ हो जाती है, जब देखें आप एक पेशेंट जब आ गया है और उसकी हार्ट बीट हो गई है, वो फौरन बाहर निकालते हैं, आप निकलें हमें देखने दें. वही इतला जो उसने उसी वक्त उसको दी, उसने कोई उसको हार्ट को पंप नहीं किया, कोई उसने बिजली के कुछ बोल नहीं किया. आई एग्री विद यू बट आई थिंक यहां पे ये तो माइनर डिटेल थी एज व्यूअर. मैंने कहा ये क्या हुआ है, मर गया? इन डिफेंस ऑफ द डायरेक्टर बिकॉज आई एम वेरी यू नो biased in this case. I think उन्होंने थोड़ा देखिए आपने honest होने का हल्फ उठाया, आपने आईन की पासदारी करनी है. मैं समझ देख ले अपना ड्रामा आया तो फिर नहीं, आप नहीं 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 I think अहमद ने यहाँ पे एक ड्रामेटिक लाइसेंस लिया है और उसने एक ट्रीटमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया और टेक्निकल को कम दिया, which I agree with you. There was hardly any treatment. No. In this particular scene, there was hardly any treatment. वो निकाल देते बाहर आके खिला देता. वो लड़की को लगा कि इसका हाथ गिरा है मेरे हाथ से और लड़की को लगा कि इसकी आंखें रुक गई हैं और लड़की ने कहा कि डॉक्टर वो भी स्लाइटली जरा सा ड्रैग था मोमेंट. और उसके बाद से डॉक्टर आया, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा हो गया, उसने बस नब्ज़ देखी, उसने कहा ड्रामेटिक ड्रामेटिक्स तो थी नहीं सीन में. ये इसमें बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था पर्टिकुलर सीन में. आई थिंक द डायरेक्टर वेंट अ डिफरेंट रूट फेल्ड. देखो एक और मसला जो अभी चल रहा है वो ये भी है कि ब्लड नहीं दिखा सकते, तो फलां नहीं दिखा सकते, पट्टियां नहीं थी, म्यूजिक पे उसको बैन करके दिखा दे, वो यूं करके बैठ गई है बस. मैंने भी देखा है वो इट वाज सदियां गुजर गई और वो लड़की यूं ही बैठी रही. अच्छा अब अगर वो यूं बैठी है उसको आंसू दे देते, शी इज नॉट इवन क्राइंग. ये सकता भी नहीं लग रहा था उस वक्त, सकता भी बहुत बड़ी बात थी बट वो शायद उस लड़की के बारे में सोच ही नहीं रहा था चूंकि डायरेक्टर, और वो लड़की भी नहीं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए. एक्टर खुद भी सोचता है ना ऐसे में कि मैं अब मुझे ना मुझे सॉरी मैं मगर मैं चीखे मारूंगी, आप मेरी निकाल देना आवाज, मैं सर फेंक दूंगी नीचे और मैं सिसकियां लेती रहूंगी ताकि मेरी कमर हीव करती रहे. नथिंग ऑफ दैट नॉट हैपन. और वो बैठी है, एक आ रहा है एक जा रहा है एक आ रहा है, वो यूं बैठी है. वो नुमान साहब पे फोकस है, उसमें नुमान साहब को दिखा रहे हैं और जिसका वो माँ बनी आज, मतलब उसके आज पता चला है कि वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उसकी खुशी का लेवल अलग है. उनकी जो मोहब्बत हॉस्पिटल के बाहर आंखों में नजर आ रही थी वो इतनी खूबसूरत थी. और लेकिन उस सीन में मैं एक चीज बताऊंगा दानिश को, मैं और डायरेक्टर को वहां पर मैं पॉइंट देना चाहूंगा, जब वो गोली वाला सीन जो बुरे तरीके से शूट हुआ हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा कि दानिश खड़ा रहता है उसके सामने. मैंने कहा क्यों खड़ा हुआ है, वो इंतजार करता है कि जब तक गाड़ी चली नहीं जाती वो दूसरा फायर ना करे मैं अपनी बीवी को. तुम्हें ही समझ आया सिर्फ नहीं, ये मुझे नहीं चला ये नहीं, ये इतना तो ड्रामेटिक समझ नहीं आया. ये बात बड़ी अच्छी की है, अगर ये ऐसे आके हिट करती यू समहाउ मुझे लगता है कि राइटर कुड हैव डन वे बेटर जॉब. उसने बहुत अच्छा स्केच बनाया था, डिटेलिंग मजे की नहीं है. सो आई वुड गिव द राइटर 4. यस ददन Six. Like good writing. I think I would go for a 6 also. 6, like good. Aha, good. Because it's different. Okay. Although the situations are not very unusual, like in the overall plot is different. That's so Subina, direction. Ahmed Bhatti ko. दो जगहों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसमे किया. एक लड़की है वो बैठी हुई है, उसको कोई उठा ही नहीं रहा वहाँ से, ना वो कुछ कर रही है, वो यूं ही बैठी है. एंड आई थिंक I will give 4 to Ahmed Bhatti. अच्छा मैं जिस सीन की बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भट्टी ने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि भंड हुआ. तो हम ओवरऑल अगर आते हैं तो मैं भट्टी के लिए 8 पे जाऊँगा. 8 पे? यस. लाइक एक्सेलेंट. एक्सेलेंट. आई थिंक आई वुड गिव हिम 7. 7. वेरी गुड. रीजन बीइंग because he has film, he's shot it like a film type. I mean it's dramatic and there's all this action and, but he tried to do something different than just a flat drama. That's why. Dure Fisha for me is has a long way to go abhi. She has everything going for her, the shakal, the
एवरीथिंग गुड फॉर एक्टिंग एक्टिंग चले हम मेकअप को छोड़ दें एक्टिंग की बात करते हैं मुझे तो नुमान साहब को फेस करना सामने खड़े होकर और एक्टिंग अकेली कुछ भी नहीं है अगर इनको मैं किसी मैयत में डाल देती हूं मैयत के सीन में इसको अपने आप को और मैं पूरे पैराफन इसके साथ आ जाती हूँ तो जब मेरा पैराफर्निलिया ही गलत है तो मैं वहाँ क्या कन्विंस करूँगी किसी को सो ऐसे में ना फिर बच्चों को ध्यान हटाना पड़ेगा नंबर दें प्रोड्यूसर में गाने बोल रहे हैं कि हम ये तो डिस्कशन हम बहुत चार इस पे गहरी सांस ली फैसल ने इट्स ओपन तो कितने नंबर देंगे छह हमारे हीरो की दानिश तैमूर दानिश इज अ विनर फॉर मी सो आई विल इन दिस पर्टिकुलर प्ले हर आंख का जहां जहां जो जो चाहिए था ना नुएंस मरने के आखिरी एक्सप्रेशन तक मेरे लिए वो सही था सो आई विल गिव दानिश मैंने 8 दिए थे ना सबसे अच्छे को आई विल गिव हिम अ 7 लाइक वेरी गुड वेरी गुड मैं 8 पे जाऊंगा दानिश के लिए वेरी गुड आई वुड एग्री विद दैट आई वुड से यू राइट 8 because I think it was a very difficult character mehnat bahut thi aur shuru mein kuch aur character tha phir usko convert karne mein usne bahut acha transitions kiye usne aur end tak lane mein believable ho gaya tha bhai danish pakke hain aur abhi hum break ka time ho chuka hai aur ab wo moment aa chuka hai ki jab is break ke baad wapas aayenge to hamare nataij jana shuru ho jayenge wah 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 ke best drama kaun sa hai best actor kaun sa hai sabse best actress kaun si hai best writer aur best director kaun hai ye sab kuch aapko pata chalega aur pakistan ke मीडिया की हिस्ट्री में आई थिंक पहला शो है जिसमें इस तरह से रेटिंग और रिव्यूज किए गए हैं तो आप कहीं मत जाइएगा मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक एक दफा फिर आप खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा है जी और क्या ड्रामे के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं जो नतीज हैं मौसूल हो चुके हैं हतमी नतीजा आ चुका है और सबसे पहले हम चलेंगे कि इस हफ्ते सबसे बेहतरीन राइटर कौन से रहे 5 ड्रामे हमने सेलेक्ट किए थे 5 राइटर हमारे पास थे तो सबसे पहले जी रिजल्ट आने लगा है किसका 5वें नंबर पे आई है कलंदर की समरा बुखारी 10 पॉइंट हैं 30 में से वैसे हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं 30 में से पासिंग मार्क्स 12 तो होने चाहिए मेरा भी है हाँ आपने तो फेल ही कर दिया अच्छा जी अब काला डोरिया की समरा अकरम है इनको मिले हैं इनको 12 पासिंग मार्क्स मिल गए 12 पॉइंट्स मिल गए अब आ रहा है जी तीसरा जो थर्ड नंबर पे आए हैं वो है कैसी तेरी खुदगर्जी के रदीन शाह 16 नंबर मिले हैं इनको और दराड़ की मिसबा नौशीन जो है उनको 17 और राइटर ऑफ द वीक अब एक ही रह गई है और उनका नाम है संजबीर आसे फ्रॉड ड्रामे की जंजबील आसिम को जो हमारे इस हफ्ते की नंबर 1 राइटर करार पाई है हमारे पहले शो की पहले हतमी नतीज जो आए हैं उसके मुताबिक बेस्ट राइटर जो हैं जंजबील शाह हैं अब आ जाएंगे बेस्ट डायरेक्टर की तरफ और जैसा हम शो में हमें आइडिया था 12 नंबर आए हैं दानिश के काला डोरिया से चौथे नंबर पे पासिंग मार्क्स मिल गए दानिश को फिर भी 13 नंबर मिले हैं साइमा वसीम को दराड़ की शहरजाद शेख को 16 नंबर मिलते हैं तो वो हमारे तीसरे नंबर पे आई हैं और 19 पॉइंट्स मिले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी को तो हमारे विनर हैं साकिब साहब साकिब फ्रॉड फ्रॉड और साकिब को कितने नंबर मिले कितने मिले साकिब 21 मिले हैं 30 में से 21 चलो एक ग्रेड आ गया चलो एक ग्रेड आ गया अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्ट्रेस ओह ये बड़ा अहम मुकाबला होने लगा है इस वक्त पाकिस्तान की 5 बासलाहियत एक्ट्रेसेस हमारे सामने हैं और जी सना जावेद जो हैं मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेके 12 नंबर हासिल कर पाई हैं और 5वें नंबर पे हैं कलंदर की कोमल मीर को 14 नंबर मिले हैं 2 नंबर से ये सना से आगे हैं और 30 नंबर पे आई हैं
कैसी तेरी खुदगर्जी की दुर्फिशां, और इनको मिले हैं 16 नंबर। अब मुकाबला है दो में, अब देखते हैं दूसरे और पहले नंबर में कौन आता है। एक तरफ सबा कमर हैं और एक तरफ अमर खान हैं, और अमर खान को भी 16 नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबा कमर जो हैं वो नंबर वन हुई हैं इस हफ्ते के लिए ड्रामा फ्रॉड से, और उनके जो टोटल स्कोर है वो है 20 मार्क्स उनको मिले हैं 30 में से। अब जी मेल एक्टर ऑफ द वीक, सबा को वैसे कम नंबर मिले। अच्छा, सबा जिस कैलिबर की एक्ट्रेस है, अब वो तो अगर इससे पीछे कोई ड्रामा आप डिस्कस करें ठीक है तो उनके। अच्छा जी, पांचवें नंबर पे कौन आया जी? उस्मान खालिद 13 नंबर हासिल कर चुके हैं कारंडोलिया से, और सना जावे से एक नंबर उनको ज्यादा मिला है, और कलंदर के मुबीन भट्ट जो है वो चौथे नंबर पे हैं, मुनीब भट्ट चौथे नंबर पे, 15 नंबर इनको मिले हैं और ये चौथे नंबर पे हैं। फ्रॉड के एहसन खान जो हैं उनको 19 नंबर मिले हैं और ये हमारे टॉप 3 में आ चुके हैं। और अब मुकाबला है जिब्रान में और दानिश में, अब देखते हैं कौन जीतेगा। जिब्रान दानिश, क्या लगता है, गैस करें आप तीनों। नहीं भाई, जिब्रान फैसला आप। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अतीका, आई थिंक जिब्रान बिकॉज़ नंबर ज्यादा दिए थे। हाँ, चले जी, दो वोट यहाँ पर जिब्रान के और एक वोट दानिश का है। नहीं, मैं वोट नहीं दे रही, मैं कह रही हूं हाँ, अच्छा, अच्छा यानी गैस कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कौन जीत रहा है। तो जी हम रिवील करने वाले हैं, हमारे दोनों के 23 नंबर हैं, दोनों के दरमियान टाई हो गया है। बिल्कुल सही हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है। तो अब हम ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं, और इसमें जब हमने एक वो बनाया है कि जब टाई हो जाता है हमारा कोई भी ऐसा, तो फिर हम सोशल मीडिया की या जो उनकी रेटिंग है उसके हिसाब से फिर हम एक पॉइंट किसी को दे सकते हैं कि कौन आगे है। तो उस लिहाज से फिर दानिश जो हैं उनको एक पॉइंट जो मिलता है वो ऑडियंस की तरफ से मिलता है, बिकॉज हाईएस्ट रेटेड शो है, उनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग यूट्यूब पे सबसे ज्यादा है, मीडिया लॉजिस्ट की रेटिंग ज्यादा है। तो दानिश जो हैं इस हफ्ते के नंबर वन एक्टर करार पाए हैं हमारे पहले शो के कैसी तेरी खुदगर्जी। देखिए जितना भी जेल के बारे में बात होगी अतीका आपने करी, लेकिन दानिश नंबर वन है। अब आ गया बेस्ट ड्रामा, फाइनल कैटेगरी। हमने कंपाइल ऐसे जिसके लिए सारा ड्रामा हो रहा है, जिसके लिए सारा ड्रामा हो रहा है, और वो हमने कंपाइल ऐसे किया कि आपने चार कैटेगरीज में सबको रेट किया था, जिसमें एक्टिंग थी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट राइटिंग, उन सबको मिला के अच्छा जिसके सबसे ज्यादा नंबर बनते हैं वो हमारा बेस्ट ड्रामा होगा। चलें जी, चौथे नंबर पर कौन सा ड्रामा है? तीन मुझे नजर आ रहे हैं पांचों के पांचों ड्रामे, और सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं 49 मार्क्स मिले हैं काला डोरिया को, और मुझे ये बता और ये कितने में से हैं, 120 में से 49 मार्क्स मिले हैं। okay. कलंदर को 52 मार्क्स मिले हैं 120 में से, और थर्ड नंबर पे आया है दराड़, इसको 72 मार्क्स मिले हैं। और अब कौन सा नंबर वन होगा? मुकाबला है फ्रॉड में और कैसी तेरी खुदगर्जी में, दोनों और 74 मिले हैं जी कैसी तेरी खुदगर्जी को और फ्रॉड को मिले, एंड द विनर इज, और फ्रॉड को मिले हैं 79 फ्रॉड विन, और ये हमारे जजेस की दी हुई रेटिंग के लिहाज से है। फ्रॉड जो है इस हफ्ते का नंबर वन ड्रामा रहा है हमारे मुताबिक, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखना शुरू करें, देखना शुरू कीजिए, वन वर्थ वाचिंग। नहीं नहीं, सारे ड्रामे देखें यार, सारे देखें और फर्क तो लाज़मी देखें। हाँ, वो तो देख रहे हैं, अगर हम इफ यू काउंटिंग ऑन अस कि हम आपको बताएं कि क्या देखना है क्या नहीं, तो ये यही रेटिंग है, इसी उससे देखिए। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि ये बहुत फेयर किस्म का एक डिस्कशन था, आपको पता भी चला होगा हमने बहुत ख्याल किया इस बात का कि सही और ठीक बात आप तक पहुंचाई जाए, कोई इसमें किसी की वजह से बैठ के कोई हम पे इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी ने कोई साइड नहीं ली, क्योंकि कोई साइड लेते तो मैं भी यहाँ मौजूद था, प्रोड्यूसर भी कहने बोल रहे होते हैं, तो ये बहुत फेयर किस्म का एक पूरा डिस्कशन था। और ये सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम अपना जो हमारी इंडस्ट्री फल फूल रही है ये मज़ीद फ्लरिश करे, इसमें मज़ीद थोड़ी बहुत खामियाँ रह गई, खूबियाँ तो बेतहाश हैं, खामियाँ भी कम हो, और हम उन लोगों को सेलिब्रेट करें जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रॉड, दानिश तैमूर, साकिब और हमारे विनर राइटर जो हैं जंजबीर आसिम, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप इस हफ्ते के विनर हैं, और मेरे जो बहुत रिस्पेक्टेड जजेस हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, रुबीना आपका, फैसल आपका, अतीका आपका। अगले हफ्ते फिर इनके साथ मुलाकात होने वाली है, और देखते हैं इस हफ्ते क्या हंगामा मचता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैंने कहा था ड्रामा यहाँ तो हो रहा है लेकिन जो ड्रामा सोशल मीडिया पर बरपा होगा वो देखने वाला होगा। इसी के साथ ही मुकर्रम के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।